तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, गेमिंग चैनल से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि क्या हम यदि किसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस को बनाते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज होगी या नहीं होगी। यदि कोई यहाँ पर पॉपुलर गेम है और हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। या फिर कोई यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल गेम है जिसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, या फिर जो ऑडियंस उस गेम को खेलती है पसंद करती है वो उतनी मेच्योर नहीं है, जनरली ये जो कम एज वाले लोग हैं वही ऐसे गेम को खेलते हैं, तो क्या इस तरह के गेम जो है वो इन पर वीडियो बनाए तो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास ये भी सवाल होता है कि फेस कैम वीडियोस यहाँ पर मोनेटाइज होंगी या नहीं होंगी, या फिर हम फेस कैम वीडियोस नहीं बनाते, जैसे कि अगर हम वॉइस ओवर वीडियोस को बनाते हैं तो मोनेटाइज होगी या नहीं होगी, या फिर हम यहाँ पर गेम प्ले तो खुद करते हैं, फेस दिखाते हैं लेकिन हम अपनी वीडियो में कुछ बोलते नहीं हैं, तो यहाँ पर हमारी जो गेमिंग वीडियोस हैं वो यहाँ पर मोनेटाइज होगी या नहीं होगी। इसके अलावा ऑल दो ना ही हमारा फेस होगा ना ही हमारा वॉइस होगा, केवल हम यहाँ पर जो गेम प्ले करेंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं हैंड कैम गेम प्ले वीडियो, जहाँ पर लोग हाथों से गेम प्ले करते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन के साथ ही उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, इस तरह का वीडियो यहाँ पर मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। दोस्तों, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, क्वायरीज हैं, गेमिंग चैनल से रिलेटेड सब कुछ मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले गेम को लेकर कि यहाँ पर आपका गेम जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए किस कैटेगरी का होना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको अपने कंटेंट में अपने आप को कितना शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि गेमिंग की यहाँ पर जो गेम है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल गेम पर भी आप यहाँ पर गेमिंग वीडियो बना सकते हैं या नहीं, या फिर आपको गेमिंग चैनल मोनेटाइज करने के लिए कोई एक हाई एंड गेमिंग वीडियो ही चाहिए होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से फेल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो गेम है उसको लेकर वीडियो बनाएंगे तभी वो यहाँ पर मोनेटाइज होगा। देखिए, आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा या नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यही है कि आप अपने कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, चाहे फिर वो यहाँ पर कोई सा भी एक छोटा सा नॉर्मल गेम हो जिसे नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे खेलते हों, लेकिन आप उसे भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक अलग अंदाज में, चाहे फिर वो फनी वे में हो, कमेंट्री के वे में हो, या आप किसी भी तरह से यदि आप उसको इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना सकते हैं जो कि आपकी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करे, तो डेफिनेटली आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो सबसे पहले हुई गेम की बात कि गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वाला हो या एक बहुत ही नॉर्मल सा हो, तो इससे यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर अपना कंटेंट किस तरह से तैयार कर रहे हैं और आप उसे अपनी ऑडियंस के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेंगे और आपकी ऑडियंस का आपके कंटेंट के प्रति क्या रिएक्शन होगा, क्या एंगेजमेंट होगा, वही टोटली डिपेंड करता है आपके यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन पर। गेम्स ये डिसाइड नहीं कर सकती। डेफिनेटली जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर यदि आप नॉर्मल वीडियोस भी डालते हैं तो आपको ऑलरेडी ऑडियंस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि आप कोई नॉर्मल या बेसिक गेम को चूज़ करते हैं जिसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, ऑडियंस नहीं है, तो वहाँ पर आपको कंटेंट जो है वो अपना उस लेवल का तैयार करना होगा जिससे जो लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं, या जो उसकी ऑडियंस नहीं है वो भी यहाँ पर आपके कंटेंट को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो ये तो हुई बात सबसे पहले गेमिंग की। अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड चीज़ की कि हम अपनी वीडियो में अपने आप को कितना प्रेजेंट करें जिससे जो हमारा यूट्यूब वीडियो है वो यहाँ पर मोनेटाइज हो सके। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर मोस्टली जितनी भी वीडियोस होती हैं ये सभी की सभी चलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन की वजह से। आप अपनी ऑडियंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंटरेक्ट हो पाते हैं। अब डेफिनेटली यदि आप कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें ना ही तो आपका फेस कैम होता है, ना ही आपकी वॉइस ओवर होती है, ना ही उस वीडियो में आप किसी भी तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर भले गेमिंग अच्छी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपकी ऑडियंस कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी, उनका इतना इंट्रैक्शन जो है वो आपके प्रति हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको अपने आप को कुछ हद तक अपनी वीडियो में प्रेजेंट करना होगा, चाहे वो यहाँ पर फेस कैम के फॉर्म में हो। आप यहाँ पर अपनी वॉइस ऐड नहीं करना चाहते, आप अपना फेस कैम दिखा के उसमें रिएक्शन दे सकते हैं, केवल और केवल रिएक्ट कर सकते हैं। आप अपना फेस कैम दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है, आप यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली वॉइस ओवर का इस्तेमाल करें।
आप यहाँ पर चाहे फनी कमेंट्री करें, चाहे आप यहाँ पर एक नॉर्मल कमेंट्री करें कुछ इंटरेस्टिंग वे में, स्टोरी की तरह गेम को प्ले करें, चाहे जो भी गेम हो आप उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें अपनी वॉइस ओवर के थ्रू, क्योंकि बिना वॉइस ऐड करे आप उस कंटेंट में जान डाल ही नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वॉइस ओवर का सहारा ले सकते हैं। अब वॉइस ओवर के साथ मैं आपको दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा, या तो आप वॉइस ओवर के साथ अपना फेस कैम ऐड करें, या फिर आप वॉइस ओवर के साथ अपना हैंड कैम गेम प्ले ऐड करें। इन दो चीज़ों से ही आप अपनी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ये जो है वो आपकी YouTube चैनल की एंगेजमेंट को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों यही वो चीज़ें हैं जिसके जरिए आप कंटेंट को जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंगेजिंग बना सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो इन वीडियोज़ को, यदि इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तो गेम कौन सा होना चाहिए और दूसरा आपको उस वीडियो में कितना प्रेजेंट रहना है या अवेलेबल रहना है, ये दोनों ही चीज़ों को जब आप बैलेंस कर लेते हैं उसके बाद जब आप कंटेंट बनाओगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका YouTube चैनल जो है वो यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा। सो आई होप अब आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन है वो गेम पर डिपेंड करता है या फिर आपकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, किस तरह से यहाँ पर मोनेटाइजेशन होता है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।